हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि सारी कवर हो जाती है। उसके अलावा भी दोस्तों कई सारे न्यूज़पेपर में से कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि निकालने के बाद ये सेशन है जो कि आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है। होपफुली दोस्तों आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि किसी को भी कोई एग्जाम के अंदर समस्या है जो कि नहीं आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, आज जो डेट है वो 19th of August है जो कि हो चुकी है, आज फ्राइडे है और सुबह के 7:10 है जो कि हो चुके हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन है जो कि उनके आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे आज के अपने के सारे अपने इंपॉर्टेंट सारे के सारे न्यूज। तो हैप्पी जन्माष्टमी गाइज, आज जैसे कि सभी को मालूम है दोस्तों जन्माष्टमी है, तो है ना, हैप्पी जन्माष्टमी। चलो ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि था कारण दोस्तों ड्रॉट का, जो अकाल पड़ता है उसके कारण के बारे में पूछा गया था। आंसर बिल्कुल सिंपल होगा कि अगर मान लीजिए कोई फॉरेस्ट फायर हो जाए, है ना, जहां पे कल्टीवेशन नहीं हो, सॉइल के अंदर वाटर की कमी हो जाए, तो भी क्या है, सिंपल सी बात है, आपका अकाल पड़ जाता है। दूसरा ये जिसकी मैं सेकेंड, एक मिनट रुको, मेरे को इंटरनेट कनेक्शन दूसरा लगा दो। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन होना, क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, आवाज आवाज परफेक्ट है सब कुछ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने तीन ऑप्शन दिए हुए थे, तो देखिए यहां पे लैंड डिग्रेडेशन भी कारण होगा और फॉरेस्ट फायर भी कारण होगा, तो आपका बी यहां पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिलीजन कन्वर्जन की। रिलीजन कन्वर्जन एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई भी एक सेक्ट को छोड़ के दूसरे में चले जाए, एक को बिलीव करके दूसरे में चले जाए, तो उसको कहते हैं। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट पूछा गया एलिफेंट रिजर्व को लेकर, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में सभी जगह पे दोस्तों देखने को मिलते हैं, तो ऑल फोर आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर इंडिया और गैबॉन की पार्टनरशिप के बारे में बात करी गई थी, तो देखिए है ना, तो बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच में $1 बिलियन का पहुंच गया था, सही बात है। सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, यह भी सही बात है। और 500 से थोड़ी कम कंपनी है जो कि वहां पे काम करती है इंडिया की, तो आपका सी 1 और 2 है जो कि यहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, मोर देन नहीं, थोड़ी 500 से कम की तरफ कंपनी है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। पेटिशन दोस्तों जो कि वैलिडिटी ऑफ चाइल्ड गैंग रेप के ऊपर लगाई गई, तो उसके अंदर जो इश्यूज को हाईलाइट किया गया था वो किया गया था जजेस के ओपिनियन को नहीं देने को लेकर, दूसरा राइट टू लाइफ का वायलेशन को लेकर, और एनोमली 2018 जजमेंट, तो 2018 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था उसको, वो काफी डिफरेंट था, तो ये तीनों को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया और नए तरीके से जो है इसको लेने के लिए कहा गया था, तो आपका डी यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा अगर आपने क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो कर लीजिएगा, बिकॉज आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के रेलवे, SSC, बैंक, जो भी आप एग्जाम है सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने एग्जाम में जा सकते हैं। जैसे कि अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, ग्रुप डी के आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको मिल रही है। SSC की भी आपके लिए जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो आपको यहाँ पे रेफरल कोड लगाना है RK25, जिससे आपको 25% डिस्काउंट है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, एक कूपन कोड पे आप लगा के ले सकते हैं। साथ में आज का कोट ऑफ द डे है चैंपियंस कीप प्लेइंग अंटिल दे गेट इट राइट। तो देखिए, हमेशा जो है चैंपियंस हमेशा खेलते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं जब तक उनको चीजें सही नहीं हो जाती है। तो ये एटीट्यूड जो है ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, लाइफ के अंदर भी वैलिडेट करता है, क्योंकि आपको भी फाइट मारनी पड़ती है, आपको भी बहुत बार फेलियर्स देखने पड़ते हैं, आपको भी बहुत बार ऐसे काम करने की कोशिश करते हो जिसमें आपका कीन इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, घर वालों ने बोला है, पापा का सपना है, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मेरे पास फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, इन चीज़ों की वजह से जो है आप कई सारी चीज़ों के साथ में जूझते रहते हो, कोशिश करते रहते हो, लेकिन देर सवेर अगर आप मेहनती हो, अगर आप सच में अपने माइंडसेट अगर आपका सही है, किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव है, तो आप कर ही लेते हो अचीव, या तो वो कर लोगे, वो नहीं होगा तो कुछ और तो कर ही लोगे अच्छे से, लेकिन ज़रूरी है फाइट करना, समझ गए। तो वो हमेशा जो है चैंपियंस आर ऑलवेज
कीपिंग अंटिल ऑलवेज प्लेइंग अंटिल दे गेट इट राइट. तो गेट इट राइट आपको भी करना है, लेकिन वो आपको ओवर द टाइम मिल जाएगा, है ना. बस उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फाइट जो है ये अपनी प्रिपरेशन के साथ या आपके जो आने वाले एक दो साल के साथ में जो है वो जारी रखेंगे. देखो जो भी करो बेस्ट करो, अदरवाइज मत करो. सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है एक साल दो साल तीन साल ये टाइम फ्रेम बना लो कि इसके अंदर मुझे करना है अपनी प्रिपरेशन, बात खत्म. या तो इसमें होगी नहीं होगी तो फिर जिंदगी के अंदर कुछ और करूंगा बेहतर, है ना. एक चीज के पीछे अगर आप बहुत सालों तक स्टिक हो और अपने मोटिवेशन नहीं लेके आ पा रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज के अंदर. इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप लगे रहो 5 साल 10 साल तक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को सबसे पहले समझो, आप चाहते क्या हो, आप किस चीज के लिए बेटर बने हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. 99% लोग ये पता ही नहीं कर पाते. चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं आज के दैनिक के फ्रंट पेज पे. सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा करी गई है वो करी गई है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर जो कि दिया है दोस्तों, ताकि देखो अभी हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी कई सारी बॉडीज को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, जिसके अंदर एथलेटिक्स है, जूडो है, टीटी था, आपका फुटबॉल है, साथ में आपका ये हॉकी है, सॉरी हॉकी क्या, ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, अपनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है. तो कई सारी बॉडीज को सस्पेंड कर दिया गया. क्यों? क्योंकि ये खुद का काम, खुद का गवर्नेंस अच्छे से नहीं कर रही थी. तो कोर्ट ने जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया. अब जो इंटरनेशनल बॉडीज है उनके रूल्स ही कहते हैं कि आपके स्पोर्ट्स बॉडी के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, है ना. और कोर्ट के द्वारा कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, कोई कमिटी बनाई जाती है उसको पूरे मैटर को देखने के लिए, तो ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जो कि माना जाता है. तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोस्तों एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि बना दिया था एथलेटिक फेडरेशन के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए. तो दिल्ली कोर्ट ने बना दिया. अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेरेंस किया और बोला है कि नहीं अभी मत बनाओ, जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है अभी रुकते हैं, एक बार देखते हैं मुद्दा क्या है. क्योंकि गवर्नमेंट ने भी यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर ये कमिटी बन जाती है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है तो फिर हम डेफिनेटली जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे और हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है. क्योंकि इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े कंट्री है अपना, अगर उस तरीके से बॉडी ओलंपिक पूरी की पूरी एसोसिएशन ही अगर सस्पेंड हो रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है. तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस ऑर्डर को, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन को भी रोक दिया. स्टेटस को का मतलब होता है जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए. ठीक है गाइस, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई थी. तो ये मैंने मुद्दा आपको बताई दिया था उसी को लेकर. अभी देखिए फीफा ने भी जो है फुटबॉल फेडरेशन को भी बैन किया हुआ है ना, क्योंकि वहां पर भी सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही जो है वो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो कि फुटबॉल वाले मैटर के अंदर बनाए थे. तो फीफा ने और AIFF जो है ना अपने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसको भी सस्पेंड किया हुआ है. और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो यार बहुत ही बड़ी बॉडी है, हमारी सबसे बड़ी बॉडी है, कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अगर इन्होंने सस्पेंड कर दिया तो, समझ गए. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है. आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा का फ्लड अफेक्टेड एरिया है जो कि एरियल व्यू उसका दिखाया गया है. 5 लाख लोगों को 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों अभी सही जगह पे लेके जाया गया है और आने वाले दिनों के अंदर लो प्रेशर एरिया वेस्ट बंगाल में बन रहा है तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा रेनफॉल है जो कि बनने की. यहाँ पे एक आदमी जो है वो पता है महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़ के जो कोस्टल एरिया है वहां पर एक अपनी इतनी बड़ी बोट छोड़ के चला गया और उस बोट के अंदर पता है जब पता किया गया तो पता है क्या मिला, बंदूकें, गोलियां, 4-5 बंदूकें, गोलियां ये सब मिली. तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि महसूस हुआ, बिकॉज 2008 के अंदर भी आपको मालूम ही है जब बॉम्बे के ऊपर अटैक हुआ था तब भी कुछ इसी तरीके से टेररिस्ट है जो कि इसी जगह से जो है बोट लेके आए थे और हथियार वथियार लेके आ गए थे, है ना. तो सिमिलर से बिल्कुल रूट है जो कि उस टाइम पे अपनाया गया था. रायगढ़ कोस्ट है महाराष्ट्र के अंदर, उस वाले एरिया से ये लोग आए. तब पता किया गया कि ये बोट किसकी है, क्या है, तब पता किया गया तो एक बताया कि एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल है. वो बंदा क्या यूरोप से जो है ओमान होते हुए, स्विस कैनाल होते हुए, मतलब पूरा चक्कर लगा के दुबई उबई जा रहा था तो बीच में कोई खराबी हो गई तो बोट को ले जाने का पॉसिबल नहीं था तो छोड़ के चला गया. मतलब हद यार, मतलब इतना कोई कैसे हो सकता है, एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, छोड़ के चला गया. तब सिक्योरिटीज ने चेक किया तब जाके पता लगा. तो फिर बाद में ये जो डिप्टी सीएम है उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट आया कि भाई इसका कोई टेरर लिंक है जो कि नहीं है, टेरर एंगल नहीं है, एक इरेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि यहाँ पे दिखाई गई थी. तो नेपट्यून मेरिटाइम सिक्योरिटी एक फर्म है उसके जो कि ये जो बोट होती है ना उसको सिक्योरिटी अवेलेबल करवाती है. तो उस कंपनी का दोस्तों ये आदमी था. तो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उन सबसे बचने के लिए इसने बंदूकें जो कि अपनी बोट में रखी हुई थी. तो ये मुद्दा है जो कि हुआ. ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 YouTube चैनल है जिनको ब्लॉक कर दिए हैं और क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न था.
और उनके नियर बाय 9 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर भी थे टोटल। इसके अलावा यहाँ पे पलानी स्वामी और पनीर सेल्वम तमिलनाडु वाला इशू है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई हमें तो पता ही नहीं है EWS फ्लैट किसको दिया है किसको नहीं दिया है, रोहिंग्या को दिया है किसको दिया है, हमें तो लूप पे रखा ही नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट। यहाँ पे जम्मू कश्मीर को लेकर बताया गया दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन आउटसाइडर्स को जो वोट देने को लेकर है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपोज किया जा रहा है। तो हालांकि मतलब जो कई सारी जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टीज उनका कहना है कि 22 लाख नए वोटर्स से जो कि एड ऑन हुए हैं, यानी कि कई सारे लोग बाहर से जो है यहाँ पे आए हैं तो उनके वोट जो कि काउंट हो रहे हैं वोटिंग के अंदर, मतलब आने वाले इलेक्शन में, तो उसको लेकर यहाँ पे कंसर्न जारी किया गया है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है। DU ने भी दोस्तों नई एडमिशन रूल्स है जो कि निकाल दिए हैं। अगर आपको 12th के बाद में DU में एडमिशन लेना है, अगर CUT में स्कोर आपका बराबर सा है तो आपके 12th की परसेंटेज को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। आपके शुरुआत के 3 सब्जेक्ट, उसके बाद में 4 सब्जेक्ट, उसके बाद में 5 सब्जेक्ट, उस हिसाब से जो है वो आपका निकाला जाएगा। तो रूल्स है जो कि यहाँ पे निकाल दिए। अदरवाइज पहले तो आपको मालूम ही है DU में एडमिशन लेने के लिए 100% वाले बच्चे अप्लाई करते थे। 100% यार कैसे आ सकते हैं किसी के 100%, मतलब बहुत ही अजीब बात नहीं है कि कई सारे बच्चों की CBSE बोर्ड में 100% आ गई, मतलब 100% मतलब वो तो कोई 100 से ऊपर जाती नहीं है, लेकिन वरना वो बच्चे 100 से ऊपर भी ले आते हैं पता नहीं कैसे भी करके। चलो ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज है। इसके अंदर बात करो तो कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि पिछले 30 सालों के अंदर कौन सा राज्य जो है वो कितनी तरक्की है जिसने उसने करी है। तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हर एक राज्य के जो है यहाँ पे शो करे गए हैं, समझ गए मेरी बात। और इसमें बताया गया है कि जो हमारे ईस्टर्न स्टेट है उन्होंने बहुत ही पुअरली परफॉर्म है जो कि किया है। हालांकि हमारे जो सेंट्रल इंडिया वाला जो एरिया है ना, इनका इनका जो है डेवलपमेंट पैरामीटर में ये लोग काफ़ी पीछे हैं। जैसे कि हमारा UP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन आपको दिखेगा ना, ये सबसे ज़्यादा पुअरली है डेवलपमेंट में। बाकी नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, इन सबका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। हालांकि ईस्टर्न स्टेट ने सबसे ज्यादा पुअरली परफॉर्म है जो कि पिछले 30 सालों के अंदर किया है। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो इन सबकी 20,000 से बिलो है जो कि 1994 तक है जो कि हुआ करती थी। 2020 आते आते सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूपी को छोड़ के सबने 1 लाख रुपए का मार्क जो कि अचीव कर लिया, यानी कि 1 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर के आसपास जो कि एक आदमी ऑन एन एवरेज उस स्टेट का कमाता है। हालांकि यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला पैरामीटर इंक्लूड नहीं कर रहे। होता क्या है कि स्टेट की जो GDP है ना, उसको आप है ना, स्टेट की जो GDP है और उस जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करके जो है आप निकाल लेते हो। ग्रॉस जो स्टेट की GDP भी नहीं बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम बोलेंगे जो है ना। नेशनल तो क्या होगा, स्टेट इनकम जो होती है, मतलब कुल मिला के आपका स्टेट का जितना भी GDP रहा है, ठीक है, और आपके नेशनल ने जितना भी काम किया है, उस स्टेट के लोगों ने जितना भी उस स्टेट में काम किया है, जैसे कि हम लोग GNP निकालते हैं वैसे स्टेट का भी निकालते हैं। फिर आप क्या करते हो, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो और एक पर कैपिटा इनकम है जो कि निकालते हो, समझिए मेरी बात। तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट प्राइस जो है वहाँ पे देखी गई, तो 1 लाख से ज्यादा कई सारे राज्यों का जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा 40% से भी ज्यादा जो थे वो पॉवर्टी लाइन के अंदर थे। बिहार, उड़ीसा, MP है ना, ये बहुत ज्यादा हाई पॉवर्टी लाइन में 94 के अंदर थे। और ठीक है, और 2012 आता था भी ये पुअर के अंदर ही थे। तो यहाँ पे लेबर फोर्स बात करें तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो गई। केरला और गोवा जो है वो टॉप स्टेट है इंडिया के अंदर, अगर मैं HDI के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1994 का डाटा दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पे 2020 के बारे में बताया गया है। तो पहले के टाइम पे देखो बहुत ही 1994 में तो बहुत ही कम थे। अगर स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूँ, स्टेट GDP के बारे में अगर मैं बात करूँ तो है ना, तो यहाँ पे गोवा तब भी आगे था और ये सारे के सारे राज्य ऑलमोस्ट सिमिलर से थे, मतलब बहुत ही आसपास थे। लेकिन अगर आज से 30 साल बाद में जब हम देखते हैं, ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके होंगे ना, हाँ, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा गैप है जो कि राज्यों के बीच में आ गया। गोवा तो जो है वो भागते भागते बहुत आगे निकल गया, उसके बाद में तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और लास्ट में अगर आप देखोगे तो यूपी बिहार सबसे लास्ट में है। इसके अलावा वर्किंग रूरल वुमेन, गांव के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं है ना, लेबर फोर्स जो है वो भी डिक्लाइन है जो कि कई सारे राज्यों के अंदर हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 50% से ज्यादा महिलाएं जो है वो काम करती है, बहुत ही अमेजिंग बात है। वैसे हमारे इंडिया के अंदर एक कल्चर है कि महिलाएं, जैसे आप अगर हम नेपाल, थाईलैंड इन देशों में जाओगे ना, तो जो मेजरली इंडोनेशिया है, ये सब जो कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे कल्चर है कि महिलाएं हमेशा हर घर के काम करती हैं,
वो दुकान का, शॉप का, जहाँ पे फिक्स्ड ऐसा वर्क होता है ना, जो सिडेंट्री वर्क होता है, वहां पे हर जगह आपको महिलाएं देखने को मिलेगी। पुरुष काम करते हैं बाहर का, है ना, जैसे कि सामान लेके आना, जाना, मार्केटिंग करना, बेचना, खरीदना, वो सारा काम करते हैं। हर घर के अंदर हर जगह पे आपको यही कल्चर देखने को मिलेगा, है ना। अब हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में भी सेम कल्चर देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, और बहुत ही अमेजिंग बात है। हमारे जो नॉर्थन स्टेट से जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड देखोगे, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सिमिलर कल्चर देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पर ये अलाउ नहीं होता ज़्यादातर महिलाओं को काम करना, और जहाँ पर हाउसवाइफ ज़्यादातर है, तो अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट में वही पीछे है। तो एक बार एक बात है जो कि बोली गई थी गांधी जी के द्वारा, आई डोंट नो किसके द्वारा, कि एक समाज, अंबेडकर जी के द्वारा बोली गई थी आई गेस, कि एक समाज जो है आगे बढ़ता है तब महिलाएं उस समाज की आगे बढ़ती हैं, है ना। तो उसी तरीके का यहाँ पे डाटा भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश काफ़ी आगे है, आंध्रा, हिमाचल यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में, इसी वजह से हिमाचल प्रदेश आपका HBI के अंदर भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपके जहाँ पे 10 में से 5 ही लोग काम कर पा रहे हैं पुरुष, महिलाओं के एडर होने से डायरेक्टली क्या हो गया, 10 में से 7 या 8 लोग जो है वो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस राज्य का जो है वो आगे जाना थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है गाइज, ये यहाँ पे बताया गया। अगर आप देखोगे 30 साल पहले भी बिहार में वर्कफोर्स लेबर बहुत कम थी, और अभी तो और ज़्यादा कम है, जो कि हो गई है, MP की भी कम हो गई है यहाँ पे देखो, ठीक है। बाकी सारे राज्य का जो है वो थोड़ा बेहतर है। इसी प्रकार से पावर्टी लाइन के बारे में बात करें तो पावर्टी में सबसे आगे बिहार था तब भी, और आज भी छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार है जो कि देखने को मिल रहे हैं पावर्टी लाइन के अंदर। हालांकि छत्तीसगढ़ जो है वो पावर्टी में आगे निकल गया है, मतलब बिहार सेकंड पे है, यूपी थर्ड के ऊपर है। इसी प्रकार से HDI के बारे में बात करें तो HDI में अगर आप देखोगे तो गोवा, केरला, तमिलनाडु ये टॉप पर है, और आज भी ये तीनों ही है जो कि टॉप के ऊपर है। पहले भी लास्ट में यूपी बिहार थे, 30 साल में कुछ भी नहीं बदला, आज भी हालात जो है वो सेम के सेम है। HDI के अंदर दोस्तों केरला जो है 2019 की रिपोर्ट थी हमारी, जिसके अंदर आपके लिटरेसी और साथ में लिटरेसी हो गई, लॉन्गेविटी हो गई, और एजुकेशन और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, तीन चीज़ों के हिसाब से अगर बात करें HDI में जो इंक्लूड करी जाती है, तो केरला नंबर 1 स्टेट है, फिर चंडीगढ़ है, उसके बाद में गोवा देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे देश के जो हाई HDI स्टेट्स हैं वो ये सारे के सारे हैं, 16 राज्य और UT जो है वो हाई HDI के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं, समझ गए। इसमें दिल्ली, अंडमान, पौडुचेरी, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, हरियाणा, मिजोरम, महाराष्ट्र और मणिपुर। जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात, ये सारे के सारे। और सबसे लो की बात करें तो वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी और बिहार, ये सारे के सारे हमारे लो HDI स्टेट्स है जो कि इंडिया के हमारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कल ही रेलवे के अंदर ये सवाल आया था कि सबसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो है वो कौन सा स्टेट है जो कि लास्ट के ऊपर है, तो आपका आंसर क्या था, बिहार था उसके अंदर। कल ही ये सवाल है जो कि पेपर में पूछा गया। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 16 की, यहाँ पर बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो क्या हो गया कि आपको मालूम है ना, इवोल्यूशन होता है वक्त के साथ में, हर चीज बदलती है, क्लाइमेट बदलता है तो लोग अपने जीने का तरीका भी बदलते हैं। पहले के टाइम पे आपको मालूम है कि जो पहाड़ी एरियाज है वहाँ पे सिर्फ घरों में कभी AC की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, घर में कभी पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, अभी धीरे धीरे जो है वहाँ पर भी जरूरत पड़ने लग गई है। UK के अंदर जहाँ पे उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में AC नहीं देखा, इतने इस बार इतनी गर्मी पड़ी कि वहाँ पे उनको भी AC जो है वो फिट करवाना पड़ गया, मतलब उन्होंने प्रावधान ही नहीं थे उनके घरों के अंदर AC फिट करने के, पाइप डालने के, ये सब करने के, इस बार मजबूरी में जो है उनको लगाने पड़ गए। तो क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे कि ह्यूमन तो खैर अपने आप टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट कर ही लेते हैं, लेकिन जानवर जो होते हैं, अपने बर्ड्स जो होते हैं, उनको भी अडॉप्ट है जो कि करना पड़ता है। उसी का एक बहुत ही प्रीशियस एग्जाम्पल है जो कि देखने को मिला, किसका लेकर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, जो कि नॉर्मली एक बार में एक ही एग है जो कि देता है, देती है, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो इस बार 2 एग जो है यहाँ पे एक साथ है जो कि उसके द्वारा हैच करे गए, है ना। तो ये 2 एग क्लंच जो है वो देखने को मिला, तो और ये अडॉप्ट कर चुका है, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, 150 के आसपास है जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कि पूरे कंट्री में बच चुके हैं, है ना, बहुत ज्यादा हंटिंग है जो कि इनकी हुई है। ओके गाइस, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिन्होंने अपना पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया, और इस बार रेनफॉल पैटर्न भी जो है वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा देखने को मिली है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया है, रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है, तो वो भी अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे बिहेवियर चेंज है जो कि देखने को मिला है, और एडिशनल प्रोटीन डाइट है जो कि उसको कंज्यूम करने की जरूरत पड़ी क्योंकि मानसून के अंदर बारिश जो है वेस्टर्न राजस्थान में ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा बारिश होगी तो उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा प्रोटीन इंटेक किया,
तो उसके रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता था लेकिन 5 से 10% ही है जो कि पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी कंसिक्वेंसली कई जगह पे जो है वो देखने को मिला। 4 फीमेल GIB जो है ग्रेट इंडियन बस्टर, 4 फीमेल GIB ने 2-2 egg एट अ सेम टाइम में जो कि यहाँ पे रेनी सीजन के अंदर दिए है, है ना। और ऐसा ऑब्जर्वेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो अपनी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है WII देहरादून, उनके साइंटिस्ट ने दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर है जो कि काम किया है, ठीक है गाइस। और अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बता दिया, देखिए पहले के टाइम पे सिर्फ 5 से 10% ही फीमेल GIB जो है उनके अंदर इस तरीके के 2 egg है जो कि डिटेक्ट करे गए हैं, बहुत है ना। अभी जो है साइन थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हैबिटेट चेंज हो रहा है ना, ये लोग भी अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से रेनफॉल भी ज्यादा देखने को मिली, तो प्रोटीन डाइट भी थोड़ा एक्स्ट्रा है जो कि देखने को मिली, ठीक है गाइस। तो हाई इंसिडेंट बिहेवियर है जो कि यहाँ पे चेंज देखने को मिला, ये आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कभी अगर आपने नहीं देखा है तो। IUCN की लिस्ट में बात करें तो यहाँ पे इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को मालूम है IUCN की लिस्ट में 7 categories होती है कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर, तो उसमें सबसे ऊपर होती है एक्सटेंट EX और एक्सटेंट ने वाइल्ड और कंप्लीटली एक्सटेंट। कंप्लीटली EX का मतलब होता है कि दुनिया में ही नहीं है, एक्सटेंट इन द वाइल्ड का मतलब जंगलों में नहीं है। फिर होता है थ्रेटेंड जिसमें CR सबसे ऊपर है, EN है और VO वल्नरेबल, एंडेंजर्ड नेचुरली और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये क्रिटिकली वाले कंडीशन के अंदर है और ये लीस्ट कंसर्न के अंदर है, 2 categories होती है, ठीक है इसके अंदर नहीं है। तो CR वाला ध्यान रखिएगा, पेपर में जो है इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेटेस्ट पॉपुलेशन असेसमेंट किया गया, तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो GIB की देखने को मिली ये आपके थार एरिया में राजस्थान में देखने को मिली। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो बनाया गया ना, जिसको पहले थार नेशनल पार्क बोलते थे, वो एक्चुअली इसी के कंजर्वेशन के लिए ही बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उसके लिए, ओके। तो जैसलमेर से जोधपुर देखने को मिलता है, वहां पे नियर बाय 150 के आसपास GIB जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी क्या हो गया था कि कुछ टाइम पहले है ना इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं ना उसके टकराने की वजह से कई सारे GIB की डेथ हो गई थी। तो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला भी था कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे जो है ना GIB को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या तो अंडरग्राउंड करो इस वायरिंग को या कुछ ना कुछ ऐसा करो, वरना तो ये 150 है, 150 से 15 रह जाएंगे, हमारे देश में देखना ही बंद हो जाएंगे, ओके। और 5 ऐसे ब्रीडिंग साइट जो थी ना वो इन्होंने छोड़ दी, जस्ट बिकॉज कि वहां पे काफी ज्यादा चेंज है जो कि आ गया है, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बहुत सारे पावर प्लांट लग रहे हैं, बहुत सारे बिजली के तार जा रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने वो ब्रीडिंग साइट ही जो है वो छोड़ दी। इन्होंने नेशनल कंजर्वेशन GIB ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो कि चलाया गया था गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र के द्वारा, ताकि इनको बचाया जा सके, ठीक है गाइस। चलिए तो जैसलमेर के अंदर एक हैचिंग फैसिलिटी जो है वो भी फाइनलाइज करी गई है, जहां पे इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने को लेकर काम किया जाएगा। आप देख सकते हो कि आज से 50 साल पहले 1200 के आसपास थे और अभी ये गिरते गिरते जो है वो मात्र 150 के आसपास है जो कि आ चुके हैं। 90% पॉपुलेशन पिछले 50 सालों के अंदर डिक्लाइन हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो उसका मीट है वो भी बहुत ही फेमस है, तो पाकिस्तान के अंदर जो थे ये हमारे बॉर्डर पे जो थे ना पाकिस्तान वाले बॉर्डर के आसपास, उनको तो वहां पे उड़ा दिया गया। अभी कुछ टाइम पहले ही 5 GIB जो है वो हंट कर गए थे बॉर्डर वाले एरिया के ऊपर जैसलमेर पे, पाकिस्तान वाले साइड के ऊपर, है ना। तो ये रेड लिस्ट के अंदर डाल रखा है, ये मैंने आपको बता दिया है। और तो उसी वजह से ये पाकिस्तान से इंडिया के अंदर भी कई सारे जो है वो माइग्रेट हो गए थे, इसी वजह से थार के अंदर इनकी पॉपुलेशन जो है ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए और कौन कौन से राज्य में देखने को मिलते हैं, आंध्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नियर बाय 3.5 feet के होते हैं और 18 kg के आसपास इनका वेट है जो कि देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो ये ब्लू वाली जो आपको लोकेशन नजर आ रही है ना, बस इन्हीं लोकेशन के अंदर है जो कि आपको GIB देखने को मिलता है। और ये आपके फ्लोरिकॉन है, ये जो ग्रीन वाले है ना, और फ्लोरिकॉन जो है ये देखने को मिलता है। तो बहुत ही लीस्ट पॉपुलेशन है जो कि इनकी रह चुकी है, ठीक है। राजस्थान का स्टेट बर्ड भी माना जाता है, कंसिडर्ड माना जाता है इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड, ठीक है। ग्रास रूट स्पीशीज है, जितने ज्यादा GIB होते हैं उतने ही ज्यादा आपकी जो ग्रास रूट है ना उसकी इकोलॉजी को ये बताते हैं। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी ग्रास रूट इकोलॉजी बहुत ही बेहतर है, ओके गाइज। आज के टाइम में इनकी पॉपुलेशन मेजरली राजस्थान और गुजरात के अंदर है जो कि रह चुकी है। और कोलिजन के वजह से, इलेक्ट्रोक्यूशन के वजह से, मेजरली पावर ट्रांसमिशन लाइन की वजह से इनकी काफी डेथ है जो कि हो जाती है। और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में है, माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर भी अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 के अंदर इनको डाल रखा है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 17 की, यहाँ पे बात करेंगे BRI के बारे में दोस्तों। BRI जो प्रोजेक्ट है चाइना का, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्लो हो चुका है अभी कोविड के बाद, लेकिन जो पैसा ये लैंडिंग जो दे रहा था ना वो बढ़ते ही जा रही है, बहुत ही खतरनाक है।
मतलब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो चाइना ने दोस्तों टेस्ट किया अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपनी इंडिया के बॉर्डर के पास में। काराकोरम जो प्लेटू वाला हाई एल्टीट्यूड एरिया है ना, वहां पर इन्होंने अपना एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अभी रिसेंटली चेक किया 15 अगस्त को। इसके अलावा यूके के अंदर वापस से स्ट्राइक के ऊपर चले गए सारे के सारे रेल वर्कर्स, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सैलरीज को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ खास और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे किसको लेकर, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है। देखो क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये BRI प्रोजेक्ट है क्या, पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा डीपली एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना यार, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलो तो यहां पर पहले एक बार BRI के बारे में सुन लेते हैं। देखो चाइना ने क्या किया है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि चलाया था। प्रोजेक्ट क्या था, 2013 के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। जिनपिंग ने बोला था कि मैं क्या करूंगा, दो तरीके के रूट से जो है वो पूरी दुनिया को चाइना से कनेक्ट कर दूंगा। अभी क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो तो सामान भेजने में लेके आने में जो है वो काफी पैसा टाइम है जो कि लगता है। अगर उस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको भेजने में ना तो पैसा लगेगा ना टाइम लगेगा, दोनों चीजें जो है वो बहुत ही सॉर्टेड आउट हो जाएगी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे रेलवे से स्टार्ट करी थी, समझ गए। रेलवे से पहले तांगा गाड़ी के ऊपर सामान लेके जाने में, इंडिया से मान लो अगर आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोई मिनरल उठा के बॉम्बे पोर्ट तक लेके जाना है तो वहां तक ले जाने में बहुत टाइम लग जाया करता था। उन्होंने रेलवे से स्टार्ट इसलिए करी ताकि खुद का ट्रांसपोर्टेशन होगा, पैसे भी कम लगेंगे और फास्ट हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने रेलवे की शुरुआत करी थी। अब ये भी यही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि जो एशियन टाइम पे जो सिल्क रूट था, एक तो मैं उस सिल्क रूट को कनेक्ट कर दूंगा सारे देशों से, दूसरा समुद्र के द्वारा जो पोर्ट्स है वो मैं खुद ही स्पॉन्सर कर दूंगा हर एक कंट्री के अंदर, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई समस्या है जो कि नहीं आए। इसी वजह से इसने देखो क्या किया, दो प्रकार के रूट है जो कि बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो जो ब्लू वाला है ये तो रोड का रूट है, पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कि इसने यूरोप तक जो है पूरा कनेक्ट कर दिया, देख सकते हो वेनिस तक, ये सारे कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर्स है। इसी प्रकार से इसका मोटिव क्या था कि जो समुद्र है, मैरीटाइम रूट है, वो भी देख सकते हो आप पूरा का पूरा, है ना, ये जो नीचे का एरिया है आपका पूरा का पूरा एशियन कंट्रीज। उसके अलावा यहाँ पे देखिए बांग्लादेश है, कोलंबो है, ग्वादर पोर्ट है, फिर ईरान, उसके नीचे फिर केन्या, जिबोती, ये स्विस कैनाल से होते हुए यूरोप तक। तो ये दो तरीके के रूट है जो कि ये एस्टैब्लिश है जो कि कर रहा है, ये आप देख सकते हो। बहुत सारे कंट्रीज है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है ना। और प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो प्रोग्रेस भी इन्होंने काफी ज्यादा कर ली है इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद में, और बहुत ही एग्रेसिवली इन्होंने जो है सारे देशों को जो है वो पैसा देना चालू किया। आपको जानकर आज हैरानी होगी कि 40% से भी ज्यादा, सॉरी 40 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर चाइना का 10% उनकी GDP का कर्जा है जो कि आज चाइना ने कर रखा है। सोचो उनकी टोटल GDP का 10% जो कर्जा है वो चाइना का कर्जा है उनके ऊपर, और श्रीलंका भी उनमें से एक ही है। तो इतना ज्यादा पैसा देकर जो है उनके एरिया को, उनके पोर्ट को जो है कंट्रोल है जो कि चाइना करते जा रहा है। उसके जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कई सालों तक बहुत एग्रेसिवली चला, तो उसके बाद में यूरोप को भी होश आया, अमेरिका को भी होश आया, सबको कि यार ये तो चाइना पूरा कंट्रोल कर लेगा, तो क्या करें। तो यूरोप ने भी क्या किया, एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया, ठीक है। उन्होंने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ग्लोबल गेटवे। इसमें इन्होंने भी बोला कि हम लोग $350 बिलियन वर्ल्ड वाइड है जो कि 2027 तक इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल में और क्लाइमेट प्रोजेक्ट के अंदर। ओके गाइज, तो यहाँ पे इस तरीके से सारे कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए यूरोप के द्वारा बोला गया। रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो 42 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर 10% से भी ज्यादा का उनका जो GDP है वो चाइना ओन करता है, उनका डेप्थ जो है वो चाइना ओन करता है। और ये सारे जो कर्जे जो चाइना ने कर रखे हैं, बड़ी बात पता है क्या, इन सारे कंट्रीज ने इसको रिपोर्टिंग वर्ल्ड बैंक को भी नहीं कर रखी है, ये बस दोनों की तरफ से जो है म्यूचुअली चल रहा है। मतलब ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में वर्ल्ड बैंक को भी इन्होंने नहीं दे रखी है। 35% जो चाइना का BRI इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, आज के टाइम पे कई सारे लोकल इश्यूज भी जो है चाइना के प्रोजेक्ट में देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट के लिए पैसा तो दे दिया, लेकिन अब वहां पर भी टेररिज्म की समस्या, करप्शन की समस्या, पाकिस्तान ने भी कोई कम थोड़ी ना करप्शन के अंदर। अरे भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब है तो पुराने वही ना, एकदम एक जैसे तो थे।
तो करप्शन पाकिस्तान में तो और भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। तो बहुत पैसा आता है, अब वो ऊपर से गायब हो जाता है। चाइनीज देखते हैं कि अरे पैसा जाता तो है लेकिन ये नीचे हमारे प्रोजेक्ट में क्यों लग रहा है। तो काफी बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो करप्शन के भी स्कैम है जो कि इनके ग्वादर पोर्ट में चल रहा है। लेकिन वो ये कि चाइनीज को मालूम है कि हमें पैसा तो देना ही है, तो वो उसके ऊपर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कई सारे 35% जो प्रोजेक्ट है BRI प्रोजेक्ट, वो भी कई सारे प्रॉब्लम में करप्शन स्कैंडल के अंदर है। लेबर के वायलेशन हो रहे हैं, लॉस के, एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं लोग, पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, है ना, इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स है जो कि आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। 100 कंट्रीज से भी ज्यादा में दोस्तों चाइना के साथ में जो है वो इस प्रोजेक्ट को साइन किया, जिसमें ये लोग रेलवेज बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, हाईवेज और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि क्रिएट करेंगे। जिनपिंग के द्वारा 2013 के अंदर बोला गया था कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करेंगे, ट्रेड का प्रमोशन, फिजिकल कनेक्टिविटी, है ना, रेनमिनबी से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और साथ में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो कि इससे होगा। ठीक है, तो ये 5 ऐसे एक्टिविटीज के ऊपर ये प्रोजेक्ट है जो कि चलाया गया। एक तो था सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जिसके अंदर पुराने वाला जो एरिया था ना सिल्क रोड हमारा तुर्की से होता हुआ, उसको रिवाइव कर रहे थे। और एक आपका मैरिटाइम सिल्क रोड जिसको बोलते हैं MSR, इसके अंदर साउथ चाइना सी से होते हुए पूरा का पूरा एशियन कंट्रीज और यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए बोला गया। चाइना को उसका क्या एडवांटेजेस है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि चाइना अपने लिए बहुत ही बड़ा एक सेफ नेविगेशन रूट है जो कि अपने ट्रेड के लिए बढ़ा लेगा, जिससे उसका कभी भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट खराब नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों एनर्जी और मिनरल सप्लाई जो है उसके प्रॉब्लम को भी ये रिजॉल्व कर लेगा। और चाइना की जो प्रेजेंस है अफ्रीका और यूरोप के अंदर वो काफी डोमिनेट कर लेगा, और रेनमिनबी को भी काफी स्ट्रांग है जो कि बढ़ा लेगा। समझ गए मेरी बात? तो ये कई सारे एडवांटेजेस है जो कि चाइना के पास में आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चाइना काम करे जा रहा है तो दुनिया हाथ पे हाथ धरिए कि बैठी हुई है। हम लोग भी ऐसा तो है नहीं कि भाई बैठे हुए हैं कि भाई चाइना तू करता रहे, हम तो चलो ठीक है चिल करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जब भी कोई हमारे पड़ोस के अंदर कोई हलचल होती है तो हम भी जो है उसको काउंटर करने के लिए काम करते हैं। तो हमने भी जो है श्रीलंका, बांग्लादेश और फिर ग्वादर के पीछे छाबार पोर्ट, उसके अलावा जिबोती के वहां पर भी बातचीत चल रही है हमारी, समझ रहे हो। इसके अलावा हमने कई सारे एग्रीमेंट जो है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, पैक्ट्स है, वो हमने यूरोपियन कंट्रीज के साथ में कर रखे हैं, अमेरिका के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान के साथ में हमने भी कर रखे हैं। लेकिन हमारा कभी भी मोटिव नहीं रहा किसी को कंट्रोल करने का। भारत का इतिहास कभी रहा ही नहीं यार 4000 सालों से कि हम किसी को बिन बात ही सप्रेस करें, कंट्रोल करें, है ना, हमारा कभी ऐसा इतिहास ही नहीं रहा। तो हम लोग किसी के ऊपर कंट्रोल करने की नहीं करते, हम लोग को जो है बराबर के साथ में म्यूचुअल एग्रीमेंट्स करके काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन ग्लोबली जो इसका रेस्पॉन्स बहुत बड़ा रहा, एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया B3W। B3W दोस्तों G7 कंट्रीज ने प्रपोज किया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। तो G7 समिट जो था उसमें चाइना को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया। इसका भी एम ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज को क्या करेंगे, हम लोग चाइना के कैप्चर से निकालेंगे और हम लोग उनको इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए पैसा। एक था ब्लू डॉट नेटवर्क प्रोजेक्ट, BDN नेटवर्क प्रोजेक्ट, इसको भी दोस्तों US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और सेम प्रोजेक्ट है वो भी। इसी तरीके से 2019 में भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हुई। और ग्लोबल गेटवे, ये मैंने आपको बताया दिया किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। ठीक है गाइस, हमारे लिए दोस्तों जो सबसे बड़े कंसर्न है वो है कि एक तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हैम्पर होगा अगर ये BRI प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, तो दूसरा जो है चाइना के जो स्ट्रेटेजिक राइज है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो काफी जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका प्रोजेक्ट था जो कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अभी जो करंट न्यूज थी वो यही थी कि ये प्रोजेक्ट जो कि काफी स्लो हो गया है, लेकिन ये लैंडिंग जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि 2022 के अंदर जो अभी 6 महीने निकले ना, चाइना ने 147 कंट्रीज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट और इन्वेस्टमेंट किया है जिसका अमाउंट पता है कितना है, $28 बिलियन है सिर्फ और सिर्फ 2022 के अंदर। अगर मैं टोटल अमाउंट के बारे में बात करूं तो 2019 के अंदर इन्होंने $50 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था। तो टोटल जो है ना वो इनका इन्वेस्टमेंट यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए $1 ट्रिलियन के आसपास है ना। मतलब चाइना ने टोटल एंगेजमेंट अभी तक कितना $932 बिलियन के आसपास जो कि कर दिया है, जिसमें से $561 बिलियन तो जो है वो क्या है अभी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट और साथ में बाकी इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी इन्होंने लगा दिया है। ठीक है, इस तो बहुत ही बड़ा मतलब 1 ट्रिलियन के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी तक ये लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर रशिया, श्रीलंका, इजिप्ट, पाकिस्तान, इन सब जगह पर जो है वो काफी पैसा लगाया है। पाकिस्तान के अंदर 56% तक थोड़ा सा कम है जो कि इस बार पैसा लगाया कंपैरेटिवली लास्ट ईयर के, क्योंकि काफी प्रॉब्लम है जो कि वहां पे देखने को मिलती है। चाइना ने नियरली दोस्तों $26 बिलियन शॉर्ट और मीडियम टर्म लोन है जो कि पाकिस्तान को और श्रीलंका को दिए है। पिछले 5 सालों में $26 बिलियन
पैसा है जो कि पाकिस्तान और चाइना को जो है वो चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका को दे दिया है। मतलब ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर किसी भी कंट्री के द्वारा किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है। इसके अलावा कई सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। चाइना जो है लाओस के अंदर रेलवे बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, सर्बिया में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, और भी कई सारे मेट्रो रेल्स प्रोजेक्ट है वो बना रहा है। तो काफी इन्वेस्टमेंट है जो कि इसके अंदर ये दिखाया गया है। चलिए, होपफुली आपको ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई डाउट है जो कि इसको लेकर नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस, जिसके अंदर सारे के सारे सिमिलर न्यूज है जो कि हमारे यहाँ पर देखने को मिली द हिंदू में। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों आपके महानदी रिवर के ऊपर के लेकर। तो देखो रिसेंटली क्या हुआ है, महानदी रिवर के ऊपर जो डैम महानदी रिवर के ऊपर फोरकास्टिंग करी गई है कि बहुत ही हैवी रेनफॉल है जो कि होने वाली है। तो आईएमडी ने दोस्तों फोरकास्टिंग है जो कि करी है, जिससे फ्लड सिचुएशन है जो कि महानदी रिवर उड़ीसा के अंदर है जो कि देखने को मिल सकती है। तो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में मैंने अभी आपको फोटो भी दिखाई थी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया के अंदर काफी हाई रेनफॉल है जो कि हुई है। तो महानदी रिवर के फ्लो के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि वो भी ओवरफ्लो हो सकती है। तो उसको लेकर जो है पहले से जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। चलिए, तो आईएमडी के बारे में बात करें, 1875 में फॉर्मेशन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में दोस्तों ये काम करती है, वेदर फोरकास्टिंग और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करने का इसका काम है ना। कई बार हमारे देश की सिचुएशंस जो है क्लाइमेटिक वो बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए कई बार क्या बिल्कुल एग्जैक्टली प्रेडिक्शन भी नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है ना, बोलते हैं कि आज बहुत तेज बारिश होगी, पता लगा उस दिन एक छींटा भी नहीं गिरा, और कई बार बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो 3 दिन बारिश ही नहीं होगी, उस दिन पता लगा बहुत ही हेवी रेनफॉल हो गई है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अल नीनो और कई सारे ऐसे इंपैक्ट्स हैं जो कि हम लोग कंसिडर नहीं कर पाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, उसकी वजह से कई बार प्रेडिक्शन सही नहीं हो पाती है। ठीक है, महानदी रिवर दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट है हमारे पेनिनसुला इंडिया के अंदर, गोदावरी कृष्णा के बाद में उड़ीसा की सबसे बड़ी रिवर है। कैचमेंट एरिया में इसके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र देखने को मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया के अंदर मेजरली आपको देखने को मिलता है। सिहावा है बस्तर हिल्स में, वहां से इसकी शुरुआत है दोस्तों, जो कि होती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये हमारी कौन से ईस्टर्न फ्लोन रिवर है, इसके अंदर सियोनाथ, हैसदो, मद, आईबी, ये सारे के सारे महानदी को ज्वाइन करती है लेफ्ट हैंड साइड से, और तेल, जोंक, ये सब राइट हैंड साइड से ट्रिब्यूटरीज है जो कि ज्वाइन करती है। इसको लेकर एक डिस्प्यूट टर्मिनल भी बना रखा है, हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम इसी के ऊपर है। इसके अलावा रिजर्वायर है कई सारे, रविशंकर रिजर्वायर है, दुधवा रिजर्वायर, कई सारे रिजर्वर भी दोस्तों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग और कटक, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो कि आपको इसके पास में देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, देखो महानदी वाला जो एरिया है वो मिनरल्स में भी बहुत ही रिच है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ जाता है, तो इसीलिए भिलाई में आप देखो कोई भी प्लांट होगा ना उसको पास में नदी चाहिए होती है, हमेशा पानी चाहिए होता है बहुत, इसीलिए नदियों के आसपास ही एरिया में हमेशा प्लांट है जो कि मेजरली लगाए जाते हैं। तो आप देखिए आयरन और स्टील प्लांट है भिलाई में, एल्यूमिनियम फैक्ट्री है हीराकुंड में, पेपर मिल है कटक में, सीमेंट फैक्ट्री है ना, ये सब यहाँ पर इसीलिए लगाई गई है। ठीक है, शुगर और टेक्सटाइल के कई सारे मिल्स आपको देखने को मिलेगी, आयरन, मैगजीन, कोल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं श्री अरबिंदो जी के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है दोस्तों कि अभी 15 अगस्त को उनको 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसमें ट्रिब्यूट है जो कि हमारे मोदी जी के द्वारा दिया गया था। श्री अरबिंदो जी के बारे में बात करें तो दोस्तों फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही फेमस फिलोसफर रहे, योगा टीचर रहे, तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी के अंदर इनका आश्रम भी है, जहाँ पे इन्होंने अपने साथ में एक पेरिस के गर्ल थी उनके साथ में मिलकर काफ़ी टाइम तक जो है वो योगा की क्लासेस जो है वो दी, और एक इंटरनल योगा जो है उसको क्रिएट किया। तो आप देख सकते हैं कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था 1872 15 अगस्त को। योगी थे, फिलोसफर, पोएट और इंडियन नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने फिलॉसफी दी डिवाइन लाइफ की कि कैसे आप स्पिरिचुअली इवोल्यूशन है जो कि ला सकते हो। 5 दिसंबर 1950 में पुडुचेरी में इनका डेथ हुआ। इनको ब्रिटिशर्स के द्वारा द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है जो कि कहा गया। इनकी एजुकेशन दोस्तों एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई दार्जिलिंग में, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले गए, वहां पर 2 क्लासिकल और कई सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस है जो कि उन्होंने वहां पर सीखी। उसके बाद में आने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में थे, बड़ौदा के अंदर काम कर रहे थे, कलकत्ता में भी काम किया, योगा के ऊपर स्टडी किया, इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर स्टडी किया, संस्कृत की स्टडी करी, और जब बंगाल का डिवीजन हो रहा था तब इन्होंने अपनी नौकरी जो है वो छोड़ के ये जो है मूवमेंट के अंदर आ गए थे। इन्होंने एक जर्नल भी निकाला था, वंदे मातरम, बहुत ही फेमस था। 2 बार जेल भी हुई इनको, 2 बार तो सेडिशन के केस लगे, 1 बार वॉर करवाने के लिए इनके ऊपर केस जो कि लगा है ना, अलीपुर बॉम्ब केस आपको मालूम ही होगा। तो 2-3 बार जो है ये जेल भी, 3 बार जो है वो जेल भी गए,
और 1908 के अंदर लास्ट टाइम जेल गए थे अलीपुर बॉम्ब केस, उससे वापस आने के बाद में उन्होंने छोड़ दिया था ये सब और उन्होंने एक आश्रम खोल के जो है वो आश्रम में चले गए थे और वहां पर की जो उनकी लाइफ थी वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत ही अमेजिंग थी। फिलोसफर है जो कि ये बाद में बने और मीरा अल्फाजा यहाँ इनसे मिले। ये मीरा अल्फाजा एक्चुअली में द मदर नाम से बहुत फेमस है, ये पेरिस से बिलोंग करती थी और इंडिया आई थी। ये भी योगा के टीचर, ये भी टीचर थी और उसके बाद में साथ में मिलकर इन्होंने इंटरनल योगा है जो कि क्रिएट किया, जो कि बाद में बहुत सारे फॉलोवर्स के द्वारा पूरी दुनिया में जो है वो फॉलो किया गया। ओके, अरबिंदो के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जो आइडियाज थे वो भी डिफरेंट थे, जहां पे पूरे देश जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा था कि देश आजाद हो जाएगा और साथ में सभी लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हिटलर को फेवर कर रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, हमारे आजाद हिंद फौज और भी बहुत लोग थे। वहीं पर ही अरबिंदो जी के जो विचार थे वो अलग थे, बिल्कुल अपोजिट थे उनका। उन्होंने ये बोला था कि जितने भी मेरे अलायंस से जानकार है सब के सब हिटलर का क्या करो, जो है वो हिटलर की डिफीट की कोशिश करो। तो हिटलर के अगेंस्ट है जो कि इन्होंने वॉर को स्टार्ट किया था। स्पिरिचुअलिटी को लेकर इन्होंने 1926 में जो मीरा थी ना, इन्होंने ही दोस्तों एक आश्रम है जो कि ओपन किया था, जहाँ पे लाइफ को लेकर स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफी काम किया गया। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम पेपर में बहुत बार आता है। उसके अलावा द बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता एंड इट्स मैसेज, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रिबर्थ एंड कर्मा, सावित्री, आर ऑफ गॉड, ये सारे के सारे इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लिखे गए। आगे बात करते हैं डैम मैनेजमेंट को लेकर। देखो हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जितने भी डैम बने हुए ना, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हम लोग, जहाँ पे सबसे ज्यादा डैम है। डैम जरूरी भी है, एक रिवर के ऊपर डैम जब बनता है, ये रिवर का पानी जो हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, पानी तो जाते जाते आपके समुद्र में चले जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं डैम का फॉर्मेशन करते हैं। इससे कई सारी चीजें होती है, पीछे की तरफ आप पानी को रिजर्व कर सकते हो, आगे टर्बाइन लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, साथ में आप इसके आगे जो है इस पानी को काम में लेकर आप अपने खेतों के लिए कैनाल बना के आप इसको खेतों तक लेके जा सकते हो, समझ गए। तो तीन मेजर यूज हुए, एक तो पानी का रिजर्वायर बन गया आपके शहर के पानी पीने के लिए, दूसरा आपका टर्बाइन के साथ इलेक्ट्रिसिटी बन गई तो आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, तीसरा आप अपने यहां से कैनाल बना के पानी को निकाल के आपके गांव तक जो है पानी को लेके जा सकते हो और इरिगेशन में हेल्प कर सकते हो, समझ गए मेरी बात। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, इसलिए डैम दोस्तों कंस्ट्रक्शन आज से नहीं, हमारे यहाँ पे जो है बहुत सालों से किया जा रहा है। ओके, और प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमारे जो 40% से भी ज्यादा डैम है ना वो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो कभी भी जो है वो गिर सकते हैं। इसी को लेकर दोस्तों इनको रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, जो कि अभी पिछले कई सालों से 10 सालों से हमारी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। रिसेंटली हुआ क्या कि जो एक करम डैम है, नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बना रखा था इसको, इसका आउटर पार्ट है जो वो कलैप्स हो गया। बस अच्छी बात पता है क्या थी कि टाइमली एक्शन लेकर पहले से पता कर लिया गया था सिचुएशन को, जो था वो पहले से पता कर लिया गया और कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है ये नहीं है कि पता कर लिया गया, प्रॉब्लम ये है कि क्या हम हमारी डैम सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कई सारे क्वेश्चन है जो कि दोस्तों यहाँ पे अनआंसर है, जो कि हो गए। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला बहुत ही तेज बारिश आई थी, लेकिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है नॉर्मल बारिश थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्लेम फेल हुआ। दूसरा इन्होंने बोला कि देखो हमें इसको रेनोवेट करना था 36 महीने में, कोविड आ गया, लेकिन दोस्तों जब बाद में देखा गया तो पता लगा गया रियलिटी की इन्होंने काम ही जो है बहुत जल्दबाजी में और बहुत ही 36 महीने के अलावा नहीं, अभी कोविड के बाद में स्टार्ट किया और बहुत ही जल्दबाजी में जो है ये काम कर दिया। तो ये दो तीन कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। 15 से 20 दिन तक तो यहाँ पे लोकल लोग बोल रहे थे, मतलब ठीक है कि 15 से 20 दिन पहले डैम की हाइट इतनी नहीं थी, लेकिन 15-20 दिन के अंदर ही डैम की हाइट जो है वो काफी बढ़ा दी गई। तो ये बहुत ही जल्दबाजी के अंदर है जो कि काम हुआ है। सॉइल जो यूज करते हैं वो हमेशा रेड सॉइल यूज करते हैं, मतलब ब्लैक सॉइल यूज करते हैं ताकि पानी को ऑब्जर्व कर ले, इन्होंने यहाँ पे रेड सॉइल यूज कर दिया इसके ऊपर। तो वही वाली बात है, जब इतनी जल्दबाजी में कंस्ट्रक्शन होगा तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा, तो वो गिर गया। अच्छी बात ये थी कि किसी का लाइफ का लॉस है जो कि नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली में 5000 से भी ज्यादा डैम है, और लेकिन 1100 से भी ज्यादा जो ऐसे डैम है जो 50 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। ओके, तो 80% जो डैम है आज के टाइम पे दोस्तों वो एब्सोल्यूट होने के कगार के ऊपर है, जो कि पहुंच गए हैं, है ना। जैसे कि कृष्णा राजासागर डैम 1931 में बना था, आपका मेथुर डैम 1934 में बना था, है ना, दोनों के ऊपर जो है अभी तक काफी प्रॉब्लम्स है जो कि वो गुजर चुके हैं। तो एक तो एजिंग इश्यूज आ रहे हैं, एक इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी रिड्यूस होती जा रही है, तीसरा इनके डिजाइनिंग को लेकर भी प्रॉब्लम्स है, एक हाई सैलिटेशन भी जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है ना। इससे क्या होता है सेडिमेंट जम जाते हैं ना, तो आपकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
हमने 2021 में एक डैम सेफ्टी एक्ट है जो कि पास किया, जिसमें सर्विलियंस करना, इंस्पेक्शन करना, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इन सबको कंप्लीट कंपलसरी किया था कि कोई भी 10-15 मीटर से जो ज्यादा हाइट का होगा ना, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको हम लोग जांच करेंगे उनकी। तो एक कमिटी बनाई गई थी, उसके बाद में एक अथॉरिटी भी बनाई गई स्टेट के अंदर भी दोस्तों, इस तरीके की दो दो कमिटी और सेफ्टी अथॉरिटी है जो कि बनाई गई। इनका काम यही था बॉडीज का कि हर डैम को क्या करें, चेक करें, समझ रहे हो, प्रॉपरली जो है साल में दो बार जो है वो इंस्पेक्ट करें, चेक करें इसको, और उसके बाद में जो उसका ओनर होगा वो एक बार दो बार चेक करके रिपोर्ट जो कि आगे सबमिट करेगा, समझ गए। तो एक इमरजेंसी एक्शन प्लान भी जो है बनाने के लिए बोला गया था। इसके अलावा जो इसकी ज्यूरिडिक्शन होती है डैम की, वो एक्चुअली स्टेट के पास में होती है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट एंट्री 17, ये जो वाटर पावर है, वाटर शॉर्टेज है, ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये किसके पास में, स्टेट के पास में आता है। लेकिन पार्लियामेंट भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, अगर कोई इंटर स्टेट रिवर है तो जो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगा। अगर एक नदी दो राज्यों में से गुजर रही है तो फिर यूनियन के पास में पावर है, समझ गए, ये वाली बात है। तो इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। जरूरत क्या है कि हमें यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, एक रूल कर्व जो है इसको फॉलो करना। तो रूल कर्व में क्या होता है कि आप प्रॉपरली इंस्पेक्ट करते हो कि कौन से डैम को कितने टाइम में सही रिक्वायरमेंट है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि अपने डेवलप्ड कंट्री गोल को लेकर है। रिसेंटली देखो, आप सभी को मालूम होगा, मोदी जी ने अभी 15 अगस्त की स्पीच में बोला था कि हमें डेवलप कंट्री बनने की जरूरत है। आने वाले जब 100वां इंडिपेंडेंस डे आएगा ना, तब तक हम लोग डेवलप कंट्री बन जाएंगे। आने वाले 25 सालों के अंदर हम डेवलप बन जाएंगे। अब चलिए देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कि डेवलप कंट्री कौन होते हैं, कैसे होते हैं, और डेवलप कंट्री की क्या डेफिनेशन है जो कि दुनिया में रखी गई है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज, अगर कहीं पर GDP ज्यादा हो तो वो डेवलप हो। चाइना की भी GDP बहुत ज्यादा है, रशिया की भी ज्यादा है, लेकिन ये लोग डेवलप नहीं है, है ना। इंडिया की भी ज्यादा है GDP तो, लेकिन हम लोग भी डेवलप नहीं है। तो 1947 तक दोस्तों क्या करने के लिए, डेवलप कंट्री बनने के लिए बोला गया। देखो, एक डेवलप कंट्री की डेफिनेशन वैसे तो खैर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, लेकिन ऑन जनरल एक डेवलप कंट्री हम उसको मानते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो कि आपको देता है, समझ गए मेरी बात। कभी अगर आप मान लो दुबई जाओगे, या फिर कभी लंदन जाओगे, या कभी मेलबर्न, बर्लिन, रोम जाओगे, किसी भी यूरोपियन जो बड़े कंट्री में जाओगे, नॉर्वे, स्वीडन, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी दुनिया होती है क्या, मतलब कल्चर शॉक है जो कि लग जाता है, कल्चर शॉक जिसको बोलते हैं ना, वो लग जाता है। मतलब हमारे यहाँ पे जितना कितना भी आप पढ़ लिख गए हो, कितनी बड़ी पोजिशन के ऊपर हो, जब आप पहली बार विदेश में किसी डेवलप कंट्री में जाओगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं, इतने सभ्य लोग, बार बार पे थैंक यू बोलेंगे, बार बार पे स्पेस देंगे, हर काम आपको बोल देंगे, पहले जल्दी, हमें तो जल्दी है ही नहीं, आप करो ये काम पहले, ठीक है, बात बात पे आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। अगर रोड लाइट पे अगर आप कहीं पर पार कर रहे हो और गलती आपकी भी है, तो भी गाड़ी वाला बहुत दूर से रोक लेगा, मतलब, और आपको बोलेगा पहले आप जाओ, जबकि पता है गलती आपकी है। जब मैं पहली बार गया था तो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, जब मैं एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है कि रोड लाइट के ऊपर एक बटन होता है, वो आपको प्रेस करना होता है, उसके बाद में आपकी ग्रीन लाइट होती है, फिर पैदल वाले जाते हैं, पिक्चरों में देखा होगा आपने, ठीक है। अगर इन केस मान लो फिर भी अगर आपको जल्दी है तो भी आप उस बटन को प्रेस कर दो, कोई गाड़ी वाला आ रहा होगा तो उसको पता लग जाएगा, तो आपको जगह दे देगा, आप पहले रुक जाएगा और आप चले जाओगे। कई बार जैसे अपने जैसे लोग हैं जो कि अपन समझते हैं नहीं, अपने आप ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है, अपन तो रोड पे इधर उधर देखा, एक बार इधर देखा और पार हो जाओ, दो बार देखना पड़ता है हमारे यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा डर हमें राइट हैंड साइड वाले से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वाले से ज्यादा है, जो कि रॉन्ग साइड पे आ सकता है। तो अपने को तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्शियस होकर चलना पड़ता है। तो मेरे को लगा कि भाई ठीक है, निकल लेंगे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो इतने में गाड़ी वाला आ गया और उसने गाड़ी रोक ली। मुझे लगा यार इसने तो रोक ली गाड़ी, मैंने कहा नहीं, मैं वापस पीछे आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं भाई आप निकलो, मुझसे गलती हो गई, मेरी तो रेड लाइट थी, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं है तो पार हो जाते हैं। तो उसने रोक ली, मैंने कहा भाई निकल, वो बोला नहीं नहीं। मैंने कहा अरे भाई निकल भाई, वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा तो आप जाओ। अरे मैंने कहा मैंने मान ली मेरी गलती यार, आई एम फीलिंग गिल्टी राइट नाउ, कोई बात नहीं भाई मैंने रूल तोड़ा है आप। वो फिर भी गया ही नहीं, मतलब पहले उसने मुझे ही भेजा, उसके बाद ही निकला, मतलब समझ रहे हो, शॉकिंग कि यार ऐसे कैसे। हमारे अपने यहाँ पे तो कोई अगर बीच में आ जाए तो चार गाली देंगे उसको पहले, तो उसके बाद गाड़ी में से निकल के एक आदमी खिड़की में से चार गाली देगा उसको मुंह पे, और उसके बाद बोलेगा कि अगली बार मेरी गाड़ी के आगे बताना। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। चलो ठीक है, तो
ये तो छोटा सा एग्जांपल है, मतलब आप जाओगे तो आपको याद आएगी मेरी बात कभी फ्यूचर में, इसलिए। तो डेवलप कंट्री क्या है, एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो कि देता है, एक डेवलप इकोनॉमी होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, समझ गए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे कंप्लीट हो चुका होता है मेजरली। बाकी कंट्रीज जो डेवलपिंग और जो ट्रांजिशन कंट्रीज होते हैं वहां पे नॉर्मली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अभी फेज में होता है, ठीक है गाइस। इसके अलावा जीडीपी की बात करें तो जीडीपी से आप मॉनेटरी मेजर कर लेते हो, जीडीपी से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेजर कर सकते हो, क्योंकि जहां पे जीडीपी ज्यादा होती है उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, और पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी, ठीक है, ज्यादा है कि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उसी को जो है वो डेवलप है जो कि मान लिया जाता है। वहां पे ये भी माना जाता है कि जो टर्शरी और जो कॉन्ट्री सेक्टर्स हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, इनका भी बहुत बड़ा रोल है जो कि होता है, और इनफैक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकंड और थर्ड वाले सेक्टर जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है जो कि करते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी, तो डेवलप कंट्री जनरली क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमीज होती है, वहां पे सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और एसडीआई के अंदर भी बहुत आगे होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, है ना, ये सब भी जो है काफी बेटर होते हैं। लेकिन नॉर्मली एसडीआई जो है वो फोकस करता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, ये तीन चीजें जो कि यहाँ पे मेजर करी जाती है। ओके गाइज, तो लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो सोमालिया से है ना चाइना की 35 गुना ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, लेकिन चाइना से जो अगर नॉर्वे की देखोगे तो 5 गुना ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी सोमालिया और चाइना दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर है। तो इसकी वजह से इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन है जो कि अभी तक नहीं बना रखी है। WHO सॉरी UN जितने भी है ना, IMF और सब अपने अपने हिसाब से जो है अपनी अपनी डेफिनेशन है जो कि इसके अंदर देते हैं। क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली कंट्री के GNI पर कैपिटा के हिसाब से मेजर किया जाता है कौन सा कंट्री कैसा है। तो हम लोग अभी मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर, आप देख सकते हैं 2170 के आसपास हमारा पर कैपिटा इनकम है, और बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है, पाकिस्तान 1500 के आसपास है, ये सारे के सारे लो इनकम कंट्रीज है ना। इसके अलावा अपर मिडिल इनकम